साथियों नमस्कार, मैं अच्छेलाल सरोज। हमारे साथ इस समय हैं बहुजन आवाम पार्टी के प्रदेश महासचिव मोतीलाल सर। तो हम जानना चाहेंगे सर, आज जो बैठक हुई किस उद्देश्य पे हुआ था बैठक? आज बहुजन आवाम पार्टी के यहाँ हमारा जो झलवा का कार्यालय है, मीटिंग हुई है कार्यकारिणी की, जिसमें जिले कार्यकारिणी के गठन में दो पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। श्री सुनील कुमार जी को जिले का उपाध्यक्ष घोषित, प्रयागराज जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया है, और श्री हेमराज को फूलपुर विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है जी। और आगे की सर आपकी रणनीति क्या है? देखिए, इस प्रदेश की जो आज सरकार है बीजेपी की, योगी जी की, पूरा कहीं प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। गुंडा राज एकदम कायम हो गया है। योगी जी आने पर कहे थे कि सारे गुंडे यहाँ से भाग जाएं या जेलों में होंगे, लेकिन आज उसके उल्टा हो गया है। पूरा प्रदेश में गुंडा राज कायम हो गया है और कहीं भी गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। उन्नाव कांड में जो आपने जैसे प्रश्न उठाया है कि बड़ी बड़ी विपक्षी पार्टियाँ जो है पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, ये बात एकदम सही है। कोई भी जो पब्लिक इशू है कोई नहीं उठा रहा है, चाहे वो किस कारण से दबे हैं मुझे नहीं पता। हमारी बहुजन आवाम पार्टी लगातार सामाजिक और गरीबों के मुद्दे उठा रही। हमने सोनभद्र कांड में भी अपना धरना प्रदर्शन किया, अभी सुभाष चौक प्रयागराज में हम जो भी लोकल इशूज़ थे वहाँ हम बराबर पहुँच रहे हैं, उनकी जहाँ हम मदद कर रहे हैं। थाने में गरीबों के FIR नहीं होते, लोग घरों में घुस के मार रहे हैं, महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं। अभी एक प्रयागराज की घटना थी एक गांव की, वहां हम लोगों ने जब धरना प्रदर्शन किया तो उनकी FIR लिखी गई। इस तरह से आज ये समस्या हो गई, गरीब आदमी जो है न्याय के लिए जगह जगह भटक रहा है। ऐसे समय में बहुजन आवाम पार्टी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना लड़ाई लड़ रही है, और आगे भी हम सरकार के खिलाफ जहाँ भी अनैतिक काम होगा हम लड़ते रहेंगे। और कहाँ कहाँ चुनाव लड़ाने की उम्मीद है? हमारी पार्टी जिला पंचायत के चुनाव में प्रत्येक जिले में अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगे, जिसमें से हम बूथ स्तर से लेकर के पहले संगठन को मजबूत करेंगे, और पार्टी के जो सदस्य होंगे वो जो चुनाव के लिए जाएंगे वो हमारे कार्यकारिणी प्रदेश स्तर से नियुक्त किए जाएंगे और राष्ट्रीय स्तर से स्वीकृत करके ही सूची जारी की जाएगी। आने वाले भविष्य चुनाव में हम पार्टिसिपेट, हमारी पार्टी जो है पार्टिसिपेट करेगी, सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। मीडिया के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और जो आगामी चुनाव है उस पर आपका क्या विचार है? 2020 में होंगे तो जिला पंचायत के जो भी चुनाव होने वाले हैं उनमें हमारी पार्टी पूरी सहभागिता लेगी। पूरे प्रदेश के जितने भी ज़िले हैं पूरे ज़िलों में हमारी पार्टी जो है चुनाव लड़ाएगी, और मैं जनजागरण के माध्यम से यह आह्वान करता हूं कि हमारे प्रदेश के जितने भी सम्मानित साथी हैं जो बहुजन आवाम पार्टी से जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं वो पूरी तैयारी के साथ आएँ, उनका पूर्ण स्वागत है। हम पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ाएंगे। मैं भुलई पासी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहुजन आवाम पार्टी। सर, उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं, बलात्कार, बहुत जघन्य जघन्य अपराध हो रहे हैं, इस पर जो विपक्ष है, जितने भी दल हैं, संगठन हैं, वो इस समय सुसुप्त अवस्था में हैं, तो इस पर जो है आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनजागरण आपके माध्यम से मैं पूरे प्रदेश, या आप कहिए कि पूरे देश को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। एक भी नेता, जो बड़े नेता हैं हमारे विपक्ष के किसी पार्टी के हैं, किसी भी आपराधिक कांड में या किसी तरह के गरीबों के, जैसे सोनभद्र कांड है वहाँ 10 आदमी मार दिए गए, 23 घायल हो गए, इस तरह की जो मास लेवल पे जो हत्या हो रही है या रोज़ कुछ न कुछ हो रहा है, उस पर हमारी किसी भी विपक्ष के पार्टी के नेता जो है अपनी सारी जबान बंद कर दिए हैं। यह बड़ा ही आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है।
विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। हम आपके जनजागरण के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी जितनी भी पार्टी जहाँ जहाँ हमारा एक्टिव है, जहाँ जहाँ हमारा कार्यकारिणी गठित है, हम वहाँ के प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों की आवाज़ बन रहे हैं और हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा कि बहुजनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी BSP, तो बहुजन आवाम पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी? जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि बहुजन आवाम पार्टी आज बहुजन समाज बहुजन हिताय से सार्वजनिक हिताय की बात करती है। बहुजन उसमें छिप गया है, बहुजन की कोई बात होती नहीं। उसका जो काम है बहुजन समाज पार्टी में मात्र वोट देने तक रह गया है। जनहित की समस्याएं जो बहुजन समाज के इश्यूज़ हैं, कोई भी इश्यू है, जैसे प्रदेश में अगर कहीं कोई बहुजन समाज की हत्या होती है, कोई जघन्य अपराध होता है, उस पर बहुजन समाज पार्टी एकदम मौन होती है और इससे जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है और जनता के आह्वान पर ही, जनता से बातचीत करके ही बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ है। हम पूरी तरह से इनका विकल्प के रूप में आ रहे हैं। सर भविष्य में जो है, जो आगामी चुनाव है उस पर आपका गठबंधन भी, गठबंधन पर भी विचार है? अभी तो हम अपना संगठन पूरे प्रदेश में सक्रिय कर रहे हैं, उसके बाद अगर समान विचारधारा के लोग आते हैं, हमारी विचारधारा मिलती है तो उनका स्वागत है।